कैसा लगता है पहली बार फ्लाइंग स्कूल में जाके, कैसा लगता है जब आप पहली बार प्लेन को अपने हाथों से उड़ाते हो, वो फीलिंग क्या होती है, क्या वे डिस्क्राइब कर सकता है? चलिए उसके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में। सो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कैप्टन नितिश अरोड़ा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन हिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना। आपके पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड या एविएशन से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर कोई और डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। पहली बार जब आप किसी फ्लाइंग स्कूल में जाते हो, अगर एक सपना लिए, फ्लाइंग क्या है? फ्लाइंग एक जुनून है जो कोई और नहीं भर सकता आपके अंदर। वो अपने आप पैदा होता है जब आप छोटे होते हो, स्कूल में जाते हो, पायलट्स को देखते हो, एयरक्राफ्ट देखते हो ऊपर से निकलता हुआ। तो कुछ लोग आप में से बोलेंगे, मैं एक दिन ये प्लेन को उड़ाऊंगा, मेरे को अपना दफ्तर ऊपर बनाना है, हवा में रखना है, एंड आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं ये करूँगा वो करूँगा। इट्स अ पैशन, वो चीज़ जुनून वो बचपन से ही आपके अंदर रहता है। कुछ लोगों का हॉबी बाद में जनरेट होती है एंड बचपन से वो जुनून रहता है। लाइक मेरे अंदर ये जुनून था कि हाँ, मेरे को शुरू से पता था पायलट बनना है, मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है, विंग्स पहनने हैं, एपलेट्स पहनने हैं। तो इट वॉज अ ग्रेट, यू नो, इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी सिंस देन। जैसा कि मैंने बताया, फ्लाइंग एक जुनून है। तो जब आप पहली बार एक फ्लाइंग स्कूल में कदम रखते हैं, पहले तो आप देखते हैं, आप वो आपकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि हाँ यार, इस मोमेंट का मैंने अपनी सारी स्कूल लाइफ इंतजार किया है और आज वो मोमेंट है। एंड द फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो, प्लेन देखते हो, एंड फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल के अंदर से निकल के आप रैंप पे पहुँचते हो, तो आँखें खुल जाती हैं। भैया मैं तो इतने बड़े वाले प्लेन में, बोइंग 777 में बैठ के आया हूँ, या 320 या एयरबस A320 में बैठ के आया हूँ, ये क्या, ये तो पिच्चूस है। सो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप छोटे से प्लेन को देखते हो तो आप देखते हो ये उड़ेगा भी। जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, बट दे आर ब्यूटिफुल एयरक्राफ्ट, सेसना हो गया, डायमंड हो गया, सेनेका हो गया, दे आर स्मॉल एयरक्राफ्ट बट ब्यूटिफुल एयरक्राफ्ट। बट वंस यू आर इनसाइड दैट एयरक्राफ्ट, और जैसे ही आपने स्टार्ट किया और आप रनवे की तरफ बढ़े, तो भैया जो आपका वो डिसीजन है, आपको पता लग जाता है कि आधे लोग तो यही बोलेंगे, भैया गलत पंगा ले लिया, लेकिन वो गलत पंगा ही तो मजा है, उसी में तो मजा है। बाकी आजकल के एयरक्राफ्ट क्या है, यू टेक ऑफ, यू पुट इट ऑन ऑटो पायलट, हाँ क्रूज पे ऑटो पायलट चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल फ्लाइंग फन इज दोज एयरक्राफ्ट, वो जो आपके ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, वो एक्चुअल में दे आर फन टू फ्लाई। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, आपको क्या पता लगता है, आप कैसा फील करते हो, आप हवा में जा रहे हो, प्लेन आपकी कमांड फॉलो कर रहा है, यू आर एक्चुअली फ्लाइंग इन द एयर, आप हवा में उड़ रहे होते हो बिना किसी सहारे के, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप प्लेन को ऊपर फील करते हो, लेफ्ट टर्न करते हो, राइट टर्न करते हो, ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, पावर कम करते हो, ज़्यादा करते हो, एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग विद योर ओन हैंड्स, आप अपने हाथों से सब कुछ कर रहे होते हो, एंड इट इज अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन द वर्ड्स है ही नहीं डिस्क्राइब करने के लिए क्या फीलिंग होती है वो। तो जो लोग भी इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं, पायलट ट्रेनिंग को चुन रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन इन द फ्यूचर। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू, डू कमेंट मी, डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।